नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग विज़न में। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करने जा रहा हूं आप लोग के साथ 2021 का और 2022 का IBPS RRB क्लर्क प्री का स्कोर कार्ड। तो कंपेरिजन करते हैं कि लास्ट ईयर मेरे कितने स्कोर आए थे और इस बार मेरे कितने स्कोर आए हैं। और बाकी आपका कोई भी क्वेरी होगा वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा लास्ट ईयर 2021 का स्कोर कार्ड है और मैंने बिहार से ही अप्लाई किया था। और यहाँ पे मुझे रीजनिंग में मिले थे 36.25 और क्वांट में मिले थे 32.75। ओवरऑल जो है मेरा स्कोर बना था 69 और लास्ट ईयर 2021 की कट ऑफ गई थी बिहार में 73, ठीक है। और मेरा प्री नहीं हुआ था। और लास्ट ईयर क्या हुआ था एक्चुअली एग्ज़ाम में कि रीजनिंग में ही मुझे प्रॉब्लम हुआ था। रीजनिंग मेरी अपनी सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ कि मेरी थोड़ी बहुत अच्छी है रीजनिंग, लेकिन प्रॉब्लम इसी में हुआ था। और आरबी क्लर्क में तो यही है कि जहाँ आप एक क्वेश्चन में फंसे, पजल में ही स्पेशली लोग फंसते हैं, तो आपका पूरा गेम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और ये था, और शायद मेरी एक्यूरेसी भी लास्ट ईयर नहीं रही होगी उतनी अच्छी सही, इसलिए 69 ही स्कोर हो पाया। अब देखते हैं, ये है स्कोर कार्ड मेरा 2022 का, जो कि हाल ही में कुछ दिन पहले स्कोर कार्ड आया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कोर मेरे रीजनिंग में आया है 38.50 और क्वांट में 36, और ओवरऑल जो मेरा स्कोर बना है 74.50। और इस बार कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर से कम गई है। लास्ट ईयर 73 थी और इस बार मात्र 70 कट ऑफ गई है और मेरा स्कोर है 74.50। तो इस एग्ज़ाम की बात करें तो ये एग्ज़ाम भी मेरे मन लायक नहीं गई थी, और रीजनिंग में शायद थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो गया था कहीं पे एक पज़ल में, और मैंने सोच लिया था कि मेरा नहीं होने वाला है। लेकिन मैंने सोचा कि लास्ट तक देखते हैं, जहाँ तक हो सकता है मैं करूँगा, क्योंकि मुझे नॉर्मलाइजेशन के बारे में पता था और उस हिसाब से मैंने 38 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे रीजनिंग में, और यहाँ पे 0.50 मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं। और यहाँ पे क्वांट में मैंने 32 किए थे और नॉर्मलाइजेशन के कारण 4 नंबर एक्स्ट्रा मुझे मिले हैं, और मेरी शिफ्ट जो थी फर्स्ट डे लास्ट शिफ्ट में थी। और यहाँ पे ओवरऑल स्कोर मेरा 74.5 बन गया और मेरा प्री क्लियर हो गया। अब आगे नेक्स्ट है मेंस की एग्जामिनेशन, और तैयारी तो मैं कर ही रहा हूँ, बट देखते हैं कि क्या रहता है रिज़ल्ट। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।